तो चलो भैया, आज आप लोगों को बता रहे हैं कि मछली का बिजनेस कैसे कर सकेगा तुम। और इसी में कौन रहेगा बोलेगा, ये भैया हमको बता रहा मछली का बिजनेस करेंगे हम। अरे भैया ये बता का करेगा, इतना बेरोजगारी है, मछली नहीं बेचेगा तो का बेचेगा है। या देख, बिजनेस ने सबसे बेटर रह लिया। अगर कुछ करना है लाइफ में तो बिजनेस देख भैया, हर एक बड़ा आदमी, हर एक बड़ा इंसान को देखेगा ना तो बिजनेस कर रहा है। कौनो भी ऐसा आदमी को बता दे भैया कि जौन बड़ा आदमी है वो बिजनेस नहीं कर रहा, कुछ बेच नहीं रहा है। हर एक बड़ा जो आदमी है वो कुछ ना कुछ के बिजनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो तुम काहे कहीं पे जा कर के नौकरी कर रहा है बे बागर सिंह? पहले बढ़िया से देख तो ले अपने आस पास, अपने इंडिया में, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, जहाँ भी जितना अमीर हैं वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब कुछ बेच रहे हैं, बिजनेस मैन है तभी इतने बड़े हैं। कौनो भी आदमी को उठा करके देख लेना भैया, कुछ बेच रहा है। तो हम बता रहा है आज कैसे मछली तुम बेच सकता है, बेटर तरीका से बेच करके ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता है, समझे? पैसे का है, एक आदमी था ना, तो वो क्या कर रहा था, नया नया मतलब मछली का दुकान खोला और बैठ गया। वो जैसे सब बेच रहे थे सब, वैसे वो ले कर बैठा और वो भी बेच रहा था, तो दुकान वगैरह चल नहीं रहा था। तो उसने क्या किया, एक दिन बोला ये तो ससुरा एक था ना, ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे बेचें हम? तो उसने क्या किया, 120 रुपया मतलब किलो दे रहा है सब, हमारे एरिया में 120 रुपया किलो है, तो वैसा वहीं भी 150 रुपया किलो था। तो उसने क्या किया, 150 रुपया किलो वो भी दे रहा था, लेकिन साथ में एक पैकेट मसाला फ्री दे रहा था। 150 रुपया में वो भी दे रहा था, लेकिन एक पैकेट मसाला फ्री, ले जा भैया तू वही मसाला डाल के मछली बना ले। तो आदमी आए, दो चार आदमी आए मतलब खरीदे और खरीद के ले गए। तो अपने आस पास एरिया में बताने लगी, अरे भाई वाह, तुमका पता है वहाँ हमने मछली लिया किलो, वही मसाला फ्री दे दिया, ले अब मसाला भी नहीं खरीदना है। अब क्या किया, अब क्या हुआ, जितने भी लोग उसके दुकान पे आए अपने आसपास अपने एरिया में बताने लगे कि भैया वहाँ मसाला फ्री मिल रहा है, जा खरीद ले। तो इससे क्या हुआ, उसके दुकान पे ज़्यादा कस्टमर आने लगे और बढ़िया अच्छा खासा सेलिंग करने लगा और अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगा। तो उसने कहा, अभी कम है भैया, अभी कम कस्टमर आ रहे हैं। तो उसके बाद उसने क्या किया, अपने इलाका में जितना भी कपड़ा की दुकान है, वस्त्रालय दुकान है, फिर रेडीमेड के दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, उस सब दुकानदार से जाकर बतिया लिया, देख भाई बात तुम्हारे दुकान पे यदि 1500 या 1000 रुपया का कोई सामान लेता है तो ये हमारा टोकन ले ले और हमारे दुकान पे भेज देना, कोई देना तुमने 1500 का सामान लिया हमारे दुकान पे, तुम 1 किलो मछली जाके ले सकता है हे दुकान से, ये वाला टोकन लेके जा, फ्री में ले ले। तो वहाँ से भी क्या हुआ कि वो जो दुकानदार थे वस्त्रालय वाले, रेडीमेड वाले, वस्त्रालय वाले, ज्वेलरी वाले, तो उनके पास जो कस्टमर जाता था वो भी हैप्पी, खुश था कि भैया यहाँ पे गए थे तो भैया 1 किलो मछली फ्री मिल गया हम लोगों को, इतना खरीदारी किए। तो उससे क्या हुआ, जो उनके रेडीमेड वाले पे, ज्वेलरी वालों के दुकान पे भी कस्टमर अच्छा आने लगे और वहाँ से वो भेज देता था ये मछली वाला के पास, तो इसका भी सेलिंग होने लगा। और उसने बोला, भैया जब आप भेजेंगे तो आपके कस्टमर भी बने रहेंगे और आप हमको पैसा दे देना जो भी कस्टमर आएंगे हमारी दुकान पे। तो उससे क्या हुआ, उन लोगों का भी सेलिंग बढ़ गया और इसके पास जो कस्टमर आते थे वस्त्रालय वालों पर से इसके दुकान पे ले लेते थे और टोकन दे देते थे। तो ये टोकन लेके जाता था, बोलता था भैया इतना लोग आए हैं, टोकन दिए हैं और उतना पैसा दे दीजिए आप। तो इसके हिसाब से उसका अच्छा खासा सेलिंग होने लगा और बहुत बढ़िया पैसा कमाने लगा। यदि आप भी करना चाहते हो इस तरीके से तो आप भी यूज कर सकते हो इस तरीका को, आप भी इस तरीके का यूज करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देखो भैया, अगर लाइफ में आगे कुछ करना है तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और कंपटीशन में ससुरा बैठा रहेगा तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। कुछ अलग कर, कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर, लोगों को दिखा, लोगों को मतलब लगना चाहिए भैया हम इस दुकान पे गए थे तो हमको कुछ मिला, कुछ हमको फायदा हुआ। काहे आना चाहेगा कोई तुम्हारे दुकान पे, वैसे तो 50 लोग बैठे हैं, कहीं भी जाएंगे ले लेंगे।
लेकिन कुछ मिलेगा, उनको फ़ायदा होगा, तो डेफिनेटली तुम्हारा दुकान पे ही आएंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया? और समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, और नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर देना। और दिमाग में कोई सवाल वाल है तो कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी वीडियो को देखने आते रहिए। नो टेंशन, नो बीपी, बी हैप्पी, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।